हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से हों। टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। वैसे तो ये लेक्चर पर्टिकुलरली क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है, बट अगर क्लास 12th स्टूडेंट्स या किसी को भी डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसे ये लेक्चर ज़रूर करना चाहिए। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको एक फील, एक ग्लिम्पस दे सकूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और ये इसके बारे में सोचा कैसे गया और किस तरीके से चीज़ें शुरू हुई एंड ऑल दैट। सो ये सब जो कुछ भी लिखा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये सब सिर्फ टाइम बचाने के लिए पहले से बना लेता हूँ। सो मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में बात करने से पहले फिजिक्स के पास चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिकल इज मूविंग, ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, ओके, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एस इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टी, ओके। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो डिस्टेंस है पार्टिकल का वो टी के फंक्शन के फॉर्म में दिया। फॉर एग्जाम्पल है ना, ये सब तो 2t प्लस 5 दिया हो, या एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, कुछ भी, व्हाटएवर, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, एक पार्टिकल है जो जिसका डिस्टेंस जो है इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, टाइम पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है। ये कहें कि उसका डिस्टेंस टाइम पर लिनियरली डिपेंड कर रहा है, है ना। जिस भी टाइम पर आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, आप उसकी वैल्यू 2 सेकंड्स में आपको निकालना है, तो 2 × 2 = 4 and 5 = 9 meter एंड सो ऑन, इस तरह से। सो ये बात समझ बताने वाली बात यह है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम का फंक्शन होता है। सो मैंने यहां पर, हम लोग यहां बात कर रहे हैं एक डिस्टेंस फंक्शन की जो कि टाइम का ही फंक्शन होता है ना। डिस्टेंस फंक्शन में इनपुट जो होता है वो टी होता है और आउटपुट जो होता है वो, है ना, मीटर में आएगा आपका, जो जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एंड, है ना, 3 सेकंड 4 सेकंड, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, वी नो दैट। अब याद कीजिए, क्लास 9th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दो तरह के मोशन डिफाइन किए गए थे बेसिकली। एक होता है ना यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में ये कहा जाता है कि जो पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, फिलहाल मैं डायरेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने स्पीड क्वांटिटी ली है। तो अगर कोई पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब उसकी स्पीड में किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब वो हर फिक्स्ड टाइम गैप में उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है जितना पहले कर रहा है। मतलब अगर उसने 1 सेकंड में 5 मीटर कवर किया है तो वो नेक्स्ट सेकंड में भी 5 मीटर ही कवर करेगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में ही 5 मीटर ही कवर करेगा, इस तरह से। ये सब आपको मालूम ही है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जिसमें, है ना, पार्टिकल को खुद नहीं मालूम होता या यूजर को नहीं मालूम होता कि किस तरह से डिस्टेंस वेरिएशन आएगा। हो सकता है पहले सेकंड में हम 10 मीटर कवर करें और दूसरे सेकंड में हो सकता है, यू नो, 5 मीटर कवर करें, हो सकता है तीसरे सेकंड में 0 मीटर कवर करें, हमें ब्रेक लगाना पड़ जाए। जनरली जो भी हमारे जो जनरली जो भी व्हीकल मूवमेंट करता है या मोशन, जब जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट कर रहा होता है, जनरली वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही करता है। यूनिफॉर्म मोशन तो एक आइडियल केस होता है, या ये कहेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के गैप में कोई मोशन, कोई मूवमेंट यूनिफॉर्म हो सकता है, हमेशा है। जनरली तो जो कुछ भी मोशन है, यहां तक कि मैं जो बोल भी रहा हूँ वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, मतलब ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से तो बोल नहीं रहा हूँ, है ना। कभी टेम्पो स्लो हो जाएगा, कभी तेज हो जाएगा, कभी मैं चुप भी हो जाऊंगा। जब भी आप, है ना, ये सारी बातें, जब भी आप कभी व्हीकल निकलते होंगे तो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड कम ज्यादा और आपको ब्रेक लगानी पड़ती होगी। सो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यूनिफॉर्म मोशन को, यूनिफॉर्म एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्रैक्टिकल लाइफ है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन तो एक आइडियल कंडीशन में एग्जिस्टेंस है एक पर्टिकुलर गैप ऑफ टाइम के लिए, ओके, कि हाँ इस टाइम के बीच में स्पीड में वेरिएशन नहीं आ रहा तो हमने यूनिफॉर्म मोशन कह दिया, बट प्रैक्टिकल लाइफ तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की है। तो यू नो, फिजिसिस्ट को ये जानना था कि, फिजिक्स वालों को, कि किस तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन को हम किस तरह से ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली डील करेंगे।
ये, अच्छा उसको छोड़ो, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ये डिस्टेंस टाइम के, अगर अगर पार्टिकल का जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो यूनिफॉर्म है, तो आपको मालूम है ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। और ये स्पीड है तो इंक्रीजिंग ही आएगा। ओके अच्छा, अब समझने वाली बात यहां पर ये है कि मान लीजिए ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, मैं हमेशा इन्हीं बेसिक एग्जांपल्स को लेकर के समझाता हूँ क्योंकि मुझे इतना ही मालूम है शायद। वेरिएशन और भी लाए जा सकते हैं बट फिर भी, ये T1 ये T2। चलिए मान लीजिए कि आप ए से बी तक, ये मऊ से बनारस तक गए वाराणसी, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है मऊ से वाराणसी की, ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर की है, और ये आपने जो टाइम गैप है ये आपने 2 आवर्स में कंप्लीट कर दिया। आप यहां से बाइक उठाए और आप वाराणसी पहुंच गए और आपने 2 घंटे में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर दिया। तो अगर मैं आपसे वाराणसी पहुंचने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, है ना, स्पीड वाले टर्म नहीं, यू नो द पॉइंट इज कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस किस तरह से वैरी कर रहा है ना, वेरिएशन इन द डिस्टेंस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हर 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 एक सेकंड पर डिस्टेंस क्या है, हर हर एक सेकंड पर डिस्टेंस क्या आ रही है हर पर्टिकुलर गैप ऑफ टाइम के लिए। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन बहुत सिंपल होता है, ठीक है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं T1 से T2 तक की, इन 2 घंटों की बात कर रहा हूं कि 2 घंटे में आपने 100 किलोमीटर कवर किया, और ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ये ग्राफ है हमारा। तो आप बताएंगे कि मेरा जो डिस्टेंस में वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो 50 किलोमीटर पर आर कर रहा है, मैं भी स्पीड की बात नहीं कर रहा। आप बता रहे हैं कि हर घंटे मैं 50 किलोमीटर की डिस्टेंस, है ना, कवर कर रहा था। सो आपके डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन क्या आप बता रहे हैं, 50। आप बता रहे हैं, आप एक्चुअली इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि पर आर में 50 किलोमीटर कवर कर रहा था। तो बाद में फिजिक्स में इसी टर्म को, ठीक है, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम को स्पीड नाम दे दिया गया, और वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को वेलोसिटी कह दिया गया। वो तो बात की चीज है, बट कोर, है ना, कोर नॉलेज अगर देखें तो स्पीड होती क्या है ना, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो यहां इस एग्जांपल में ये यूनिफॉर्म मोशन में 50 किलोमीटर पर आ रहा है जब आप मऊ से वाराणसी तक गए थे तब। अब अगर मैं इसके, अब आप देखिए एक्चुअली ये 50 किलोमीटर पर आर है क्या, जिसको हम वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहे हैं। आपसे जब पूछा गया कि भाई आपने कितना डिस्टेंस कवर किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं, आप इस परपेंडिकुलर और इस बेस का रेशियो निकाल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि T1 से T2 तक जाने में मैंने डिस्टेंस कितनी कवर की, तो T1 से T2 तक जाने में, यहां से यहां तक, ओरिजिन से नहीं, यहां से यहां तक जाने में आपने इतनी डिस्टेंस कवर की है, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आप पहले से कवर कर रखे थे। मऊ से आप यहां से जब चलना शुरू किए और यहां तक पहुंचे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आपने सिर्फ इतनी डिस्टेंस कवर की है, ये डिस्टेंस लाइन वर्टिकल लाइन ये है ना, वाराणसी की, वाराणसी तक की डिस्टेंस ये, मऊ तक की डिस्टेंस ये, वाराणसी तक की डिस्टेंस में मऊ वाली डिस्टेंस माइनस कर दी तो वाराणसी से मऊ के बीच की डिस्टेंस ये 100 किलोमीटर, ये तो मऊ से वाराणसी के बीच में आपने ये डिस्टेंस कवर की है, और मऊ से वाराणसी के बीच में टाइम गैप कितने का था, 2 आवर्स का। आपसे जब पूछा गया कि आप मऊ से वाराणसी के बीच में वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या था, तो आपने बताया 100/2, दैट इज 50 किलोमीटर पर आर। अब बता रहे हैं हर घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहा हूं, मेरी डिस्टेंस में वेरिएशन 50 किलोमीटर का है। खूब ध्यान से बातें समझिएगा, ठीक है, ओके। तो एक्चुअली 100/2 करने पर आप परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले रहे हैं, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो तो 10 थीटा होता है, एक्चुअली जो 50 किलोमीटर पर आर आ रहा है मैथमेटिकली देखा जाए तो ये 10 थीटा आ रहा है। 10 थीटा किसका, ये थीटा कौन है, थीटा इस ग्राफ का, ध्यान दीजिए, थीटा इस ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल है,
ये जो थीटा है, अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे, अब हम मैथमेटिकल अप्रोच लगा रहे हैं। तो ठीक है, आपसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे डिस्टेंस में किस तरह से वेरिएशन आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपने 100 अपॉन 2 करके 50 बताया। लेकिन फिर मैथमेटिकली जब 100 अपॉन 2 को देखा गया तो ये देखा गया कि भाई 100 अपॉन 2 तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, और परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो तो टेन थीटा होता है, और टेन थीटा थीटा कौन, थीटा ये, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, इसके अकॉर्डिंग ये बेस, और ये कौन, ये ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल। ओके, ये बात है। मैथ्स में इस टैन थीटा को, जो कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, अब जब भी आप किसी स्लोप को देखते हैं, है ना, ढाल को देखते हैं जब भी, है ना, जिसपे स्लाइड किया जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी ढाल ज्यादा दिखाई दे रही है, या मैं पूछूं कि यू नो इसकी ढाल ज्यादा है, कौन सा ज्यादा स्टीपेंड है, वो किसकी ढाल ज्यादा है, किसकी स्लोप ज्यादा है, तो आप इसको बताएंगे, इस पर ज्यादा तेजी सर्विंगे या इस पर ज्यादा तेज है ना, स्लाइडिंग इस पर तेज होगी, तो इसका स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप ज्यादा होने का मतलब परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को ही स्लोप कहते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि इस, ये भी 3 यूनिट था, ये भी 3 यूनिट था, ये 4 यूनिट है और ये 6 यूनिट है, तो एक्चुअली यहां बेस तो फिक्स था, लेकिन परपेंडिकुलर बढ़ जाने की वजह से इसका स्लोप ज्यादा हो गया। तो परपेंडिकुलर जैसे जैसे बढ़ेगा या बेस जैसे जैसे कम होगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। परपेंडिकुलर जितना ज्यादा होगा स्लोप ज्यादा होगा, बेस जितना कम होगा स्लोप ज्यादा होगा, तो टेन थीटा को एक्चुअली कहते हैं हम स्लोप, ज्योमेट्री से देखा जाए तो। ट्रिगोनोमेट्री से देखा जाए तो ये जो 100 अपॉन 2 आप निकाल रहे हैं, ये आप टेन थीटा निकाल रहे हैं। ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेन थीटा एक्चुअली स्लोप होता है, इस लाइन का स्लोप। अच्छा, तो घूम फिर करके सर आप ये बताना चाह रहे हैं कि एम से लेके पी तक, मऊ से लेकर के वाराणसी तक जो मूवमेंट हुई है, जो मोशन हुआ है, उसके डिस्टेंस में वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे हम लोग फिजिक्स में स्पीड भी कहते हैं, वो मैथमेटिक्स में एक्चुअली टेन थीटा होती है, और ज्योमेट्री में एक्चुअली इस टेन थीटा को हम स्लोप कहते हैं। स्लोप किसका, इस एम वी लाइन का, इस लाइन का स्लोप। तो मैथमेटिकली स्पीड, फिजिक्स में हम जिसे स्पीड कह रहे हैं, मैथमेटिकली वो स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाली लाइन का स्लोप होती है। मैथमेटिकली स्पीड जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाली लाइन का स्लोप होती है। स्लोप बोले तो टेन थीटा, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आई बात? अच्छा, हमने ये सारी कहानी, अभी मैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर रहा हूं, अभी उसकी कोई स्टोरी डिस्कस नहीं हुई। आई होप आपको ये जो कॉन्क्लूजन है अब तक, है ना, ये पॉइंट भी एक्चुअली नोट करने लायक है, ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड इज मैथमेटिकली इक्वल टू टेन थीटा, एंड ज्योमेट्रिकली इज द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, या स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड इज द ग्राफ ऑफ, सॉरी, स्पीड इज द स्लोप ऑफ, है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ओके, ऐसे लिखा जा सकता है, स्पीड इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। अभी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, ये नहीं क्या नॉन यूनिफॉर्म में भी ऐसा होगा कि नहीं होगा, वो बात की चीज है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा, उस लाइन का स्लोप ही एक्चुअली, है ना, स्पीड होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यू नो एक पार्टिकल है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप लोग कहेंगे मैं फिजिक्स पढ़ाने लग गया। मान लीजिए एक मोशन है, ये ए वाला पार्टिकल का, ये बी वाला पार्टिकल का, कहा जाएगा किसकी स्पीड ज्यादा है, तो स्लोप देखिए किसका स्लोप ज्यादा दिखाई दे रहा है, बी वाले का स्लोप ज्यादा है, इस पर स्लाइडिंग ज्यादा होगी, इसका स्लोप ज्यादा, स्लोप ही स्पीड होती है, स्लोप ज्यादा मतलब स्पीड ज्यादा,
बी की स्पीड ज्यादा होगी, ए की स्पीड कम होगी। ओके, तो ये कंक्लूजन है हमारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, है ना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये सब सिर्फ बातें हैं, ठीक है, बट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम चल रहे थे यूनिफॉर्म मोशन से। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये जो 50 किलोमीटर पर आर हमारा डिस्टेंस में वेरिएशन था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हर पॉइंट पे बना हुआ था। अगर हम 11 बजे चलना शुरू किया और 2 घंटे बाद यानी कि 1 बजे वाराणसी पहुंच गए, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में अगर हमने पहुंच या हम पहुंचे हैं, तो इसका मतलब हमारे पाथ के हर पॉइंट पर, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमारी स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रही थी, है ना। जो स्पीडोमीटर में जो इंडिकेटर है वो 50 पर ही एकदम बना हुआ है, ना 50 से नीचे आया ना 50 से ऊपर आया। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा हुआ है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर वाकई इसमें 100 किलोमीटर 2 घंटे में चला है, तो इस पॉइंट एम और इस पॉइंट वी के बीच में इसकी स्पीड में फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, ग्राफ ऐसा बता रहा है, ठीक है। अगर फ्लक्चुएशन आया होता तो ग्राफ को ऊपर नीचे थोड़ा सा फ्लक्चुएट करना होता, लेकिन कुछ नहीं किया, ग्राफ बिल्कुल ऐसे गया है। मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है, 2 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर बढ़ी है, 2 घंटे में उसने 100 किलोमीटर कवर किया। तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या कह रहे हैं, 100 अपॉन 2, दैट इज 50 किलोमीटर। और इसी रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम फिजिक्स में स्पीड, कि बार बार हमको ये ना बोलना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बार बार ना बोलना पड़ेगा, इसलिए इसका एक नाम है, वही इसे स्पीड कहेंगे, ठीक है। इसके किसी भी पॉइंट पर देखा जाता, देखिए अगर अब एक बार के लिए इसको इरेज कर, ठीक है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। जब आप ये सब बातें डिस्कस करनी है बेहद जरूरी है, क्योंकि फिर जब मैं ये बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्म केस बताऊंगा तो फिर दिक्कत आएगी, अगर आप यहां यूनिफॉर्म मोशन में बातें नहीं समझेंगे। अगर मैं यहां पर कोई और दो पॉइंट ले लेता हूं ए, और यहां पर पॉइंट ले लेता हूं बी, अगर मैं पूछता ए और बी के बीच में स्पीड क्या थी, या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, अभी हम एम से बी तक जा रहे थे, अब हमने ए और बी कर लिया कुछ भी, ठीक है, ये ना, तो ए से बी तक जाने में, इन दोनों पॉइंट्स तक जाने में रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या था, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में आपकी स्पीड क्या थी। तो आपको मालूम है कि स्पीड, अभी अभी हम लोगों को मालूम चला कि स्पीड तो स्लोप होती है, स्लोप मतलब इस लाइन का यहां पर एंगल, अच्छा ये एंगल और ये एंगल, ये तो बराबर होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये एंगल, यहां पर मैं ए बी लाइन का स्लोप बताऊं या एम वी लाइन का स्लोप बताऊं, बात तो एक ही नहीं है, तो वही है, ए बी लाइन का स्लोप बताऊं या एम वी लाइन का स्लोप बताऊं, बात तो वही है, क्योंकि लाइंस तो वही है, ग्राफ वही है, कोई चेंज तो आया नहीं, तो स्पीड अभी भी 50 किलोमीटर पर आ रहेगी। इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन का देखिए सब बहुत एक दूसरे चीजें लिंक्ड रहती है, यही इसीलिए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है, आप किसी भी पॉइंट पर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, यहां तक अगर मैं ये तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हो गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब एम से वी तक जाने में, जब आप दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच का देख रहे हैं, मऊ से चले, देखिए प्रैक्टिकल कंडीशन क्या होती है, जब आप मऊ से चले और वाराणसी पहुंच गए, आपने देखा सॉरी अपने बाइक में देखा कि आपने 100 किलोमीटर कवर किया, आपने टाइम देखा कि मैंने 2 घंटे में कवर किया, तो आप 100 में 2 से डिवाइड करके 50 की स्पीड से आए, तो जेन्युइनली आप 50 की स्पीड से आए क्या, नहीं, वो आप एक्चुअली एवरेज ओवरऑल अपने मोशन का एवरेज है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहे हैं, वो एवरेज स्पीड आप बता रहे हैं। जब आप दो पॉइंट के बीच में स्पीड कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप उसको वो आप एक एवरेज एस्टिमेट लगा रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के केस में एवरेज एम से वी के बीच में, ए से बी के बीच में, देखिए ए से सी के बीच में, ए पर ही, अगर मैं ए पर भी पूछता कि ए पर जब दो पॉइंट्स के बीच में मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बता रहा हूं, तो मैं उसको एवरेज स्पीड कह रहा हूं। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही पूछ रहा हूं, आप मऊ से निकले वाराणसी पहुंचे, मैंने फोन करके पूछा कि भाई पहुंच गए, हाँ पहुंच गए, फिर मैंने एवरेज रेट निकाल लिया कि अच्छा 50 की स्पीड से गया है लड़का, चलो ठीक है, हो गया। फिर मैंने मुझे ये जानना है कि किस अभी अभी एक इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपकी बाइक आपका व्हीकल किस स्पीड से चल रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके लिए मैंने आपको फोन किया कि भाई तुम्हारी अभी एट द टाइम अभी स्पीड क्या है, तो आपने स्पीडोमीटर अपनी बाइक में देखा, अपने व्हीकल में देखा कि अभी आप 60 की स्पीड से चल रहे हैं, अभी आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं, यू नो,
इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि अभी मैं 60 से चल रहा हूं, फिर आप फोन पर बता रहे हैं कि हाँ 50 55 हो गया, अब 50 हो गया, अब 70 हो गया, है ना। वेरिएशन आता रहता है हर सेकंड के टाइम साथ साथ। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब आप अपनी स्पीड देख रहे हैं तो उसको तो जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर देख रहे हैं, ठीक है, तो उसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहे हैं। और जब आप दो पॉइंट्स के बीच में वही रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं तो उसे आप एवरेज स्पीड कह रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में भाई साहब एवरेज स्पीड देखूं एन से बी के बीच में, एवरेज स्पीड देखूं ए से बी के बीच में, एवरेज स्पीड देखूं ए से सी के बीच में, एवरेज नजदीक से नजदीक पॉइंट पर देखूंगा यानी कि ए पर भी देखूंगा, तो चूंकि लाइन वही है, स्लोप वही है, इसीलिए स्पीड वही रहेगी। मतलब यूनिफॉर्म मोशन के केस में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही रहती है, उसमें वेरिएशन नहीं आता, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन केस में व्हाटएवर इज द एवरेज स्पीड इज एक्चुअली द इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, क्योंकि लाइन वही है ना, ये लाइन कभी तो बदल है ना, चाहे ए एन से बी के बीच में, चाहे ए से बी के बीच में, चाहे ए से सी के बीच में, लाइन तो बदल नहीं गई। अच्छा, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड एक ही होती है, बल्कि अलग अलग नहीं होती, ठीक है। और स्पीड एक्चुअली है क्या फिजिक्स के टर्म्स में, जैसे है ना मैथमेटिकली हम लोग जिसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह रहे हैं, फिजिक्स में उसको स्पीड कह दिया गया, एंड विच इज है ना मैथमेटिकली विच इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अच्छा, अब आपको मालूम है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं, हमको मालूम है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन केस में ग्राफ थोड़ा कर्व्ड कर्वी हो सकता है। अच्छा, ग्राफ ऐसे ही जाएगा, मैंने एक केस पर्टिकुलर लिया, ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है वो ग्राफ है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये डिस्टेंस टाइम, ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन किसी पर्टिकुलर व्हीकल का ग्राफ ऐसे बना हुआ है। ये टी वन पर, ये पॉइंट ए है, टी वन सेकेंड पर इसने एस टी वन डिस्टेंस कवर की है, टी टू सेकेंड पर इसने एस टी टू डिस्टेंस कवर की है ना, ये हमारा फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिस्टेंस फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, टाइम पर ना, डिस्टेंस किसके टर्म्स में दिया जाएगा, टाइम के ही टर्म्स में दिया जाएगा। डिस्टेंस फंक्शन एक्चुअली ध्यान दीजिए, डिस्टेंस फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जहां टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं अगर पूछूं यहां पर डिस्टेंस से कि भाई तुम क्या हो, ये पूछेगा भैया टाइम से पूछो, समझिए समझिए बात को, एस इज इक्वल टू 3t+5। मैंने पूछा कि भाई तुम क्या हो, कितने हो, तो कह रहा भैया टाइम से पूछो, ये कहेगा कि आप जाइए टाइम के पास, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर, ठीक है। अगर आप, अगर मैं से पूछूं कि 5 सेकंड पे तुम क्या हो, तो कहेगा भैया इधर आकर पूछो, इधर से मत पूछो, इधर से पूछो, 5 3 15 and 5 मैं 20 meter हूं, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्चुअली, जो टाइम है, और डिस्टेंस जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि डिपेंडेंट किस पर, टाइम पर। तो ये रहा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अब फिजिक्स वाले ये सोच रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज स्पीड क्या होगी, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा। शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आपको ये यूनिफॉर्म केस समझ में आया तो आप यहां अप्रोच बहुत अच्छा बना पाएंगे, एंड आई होप कि आपको यू नो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझा पाऊंगा मैं, ओके। तो ये मोशन है ग्राफ, जो हमारा व्हीकल है वो इस तरीके से चल रहा है, ये ग्राफिकल एनालिसिस, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका, और हमने ए से बी के बीच में एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात की। भाई पॉइंट ए पर तुम कहां थे, पॉइंट ए मतलब टी वन टाइम पर तुम कहां थे, तो एस टी वन डिस्टेंस कवर करके रखा था ये, टी टू टाइम पर तुमने कितनी डिस्टेंस कवर की, एस टी टू। अगर आपको ये टी वन टी टू कंफ्यूज कर रहा हो तो आप सिर्फ 1 2 लिख लीजिए, T1 टाइम पर इसने S1 डिस्टेंस कवर की, T2 टाइम पर इसने S2 डिस्टेंस कवर की, ठीक। अब मैंने जब ये B पर पहुंच गया पार्टिकल, तो मैंने इसे फोन किया, मैंने कहा भाई कहां पहुंचे तू, तो बोला कि भाई मैं S2 डिस्टेंस कवर कर लिया। अब फिर उसको मैंने, फिर मैंने फोन कर दिया, मैंने इसे पूरा फोन कट कर दिया, फिर मैंने देखा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड एक्चुअली
अच्छा एवरेज स्पीड तो अभी उन्होंने दिखा था, एवरेज स्पीड ए और बी को आप ज्वाइन करेंगे। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ए से बी तक में आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ए से बी के बीच में आपने कितनी डिस्टेंस, बी पर आपने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की थी, ए पर आपने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की थी, तो ए से बी के बीच में इसमें से इतना माइनस कर देंगे, मतलब ये दिस इज द ट्रैवल्ड डिस्टेंस, डेल्टा एस मतलब डिफरेंस इन डिस्टेंसेस, एस टू माइनस एस वन, और ए से बी के बीच में टाइम गैप कितना था, डेल्टा टी दैट इज टी टू माइनस टी वन। तो ये मैंने बताया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अच्छा ये एक्चुअली ये तो डेल्टा एस परपेंडिकुलर है और डेल्टा टी तो बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आखिर है क्या एवरेज रेट ऑफ चेंज, यही तो हम निकालना है, यानी कि एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड हमने निकाला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अब वो हमने देखा एक्चुअली दिस अपॉन दिस आ रहा है, ये तो परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है और ये बेस की तरह, तो इन दोनों को ज्वाइन करके एक हाइपोटेनस ही बना लीजिए। ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दी है ये मैंने कंस्ट्रक्ट की है, वो ग्राफ नहीं था, ग्राफ तो ब्लैक वाली लाइन है। तो इस लाइन, ये लाइन जितना एंगल बना रही होगी थीटा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एक्चुअली टेन थीटा, है ना, टेन थीटा ऑफ लाइन ए बी, या ये कह दें स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अच्छा मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी स्पीड मैथमेटिकली लाइन ऑफ एक्शन, ए से बी तक गए, ए से बी तक में लाइन ऑफ एक्शन कौन है, ये ए बी लाइन, इस लाइन का स्लोप ही है। मतलब अगर मैं ए से यहां पर कोई पॉइंट चूज करता सी और ए से सी के बीच एवरेज स्पीड देखता तो वो एक्चुअली क्या होती, वो इस ए सी लाइन का स्लोप होती। तो फिजिक्स वालों का ये तो बड़ा आसान काम है यार, मतलब मुझे इतना मैं सिर्फ इस लाइन के स्लोप से बता सकता हूं कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही है ए से सी के बीच में, बस मुझको करना कुछ नहीं है, इस लाइन का ये एंगल मेजर करना और इस एंगल का टैन निकाल लेना है, ठीक। चलिए ये काम तो हो गया, ये एंगल निकाल लेंगे हम, चलिए ठीक है, एक चीज हम एक नई बात बता चली, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में भी स्पीड जो है वो एक्चुअली और कुछ नहीं, जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में मैं एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप ही उन दोनों पॉइंट के बीच की एवरेज स्पीड होती है इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑल्सो। अच्छा तो ये तो सर बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी ये एवरेज स्पीड की बात हो गई, अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात क्या होगी, ये आपके ऊपर, अगर आप कुछ नोट उठ कर रहे हो तो ठीक है, मेक श्योर अगर आप कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ए से बी के बीच में नहीं, ए पर ही एग्जैक्टली एट द पॉइंट ए स्पीड क्या है, बी पर ही एग्जैक्टली एट द पॉइंट बी पर ही स्पीड क्या है। तो फिजिसिस्ट ने सोचा, साइंटिस्टों की बुद्धि बहुत खुराफात वाली होती है, अब आप ये बात समझिए कि हमारे पास स्पीड को निकालने का एक ही पैतरा है, ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक्चुअली हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं दो पॉइंट, सॉरी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच की, स्पीड निकालने के पास हमारे पास एक ही टूल ही है एक्चुअली मैथ्स में, दो पॉइंट्स के बीच हम स्पीड निकाल सकते हैं, जब तक दो पॉइंट हम निकालना चाहते हैं एक ही पॉइंट पर। तो ध्यान दीजिए अगर मैं बी पर स्पीड निकालना चाहता हूं तो इस ए को बी की ओर बढ़ना पड़ेगा, इस ए को बी की ओर बढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ध्यान सुनिएगा, मैं अगर आप स्क्रीनशॉट लें, अच्छा ठीक है, अरे ये सब एक मैनुअल वे में समझाना ना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाती है। तो ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड
अच्छा ठीक है, जहां मिल गया यार वहीं भी मान लो। ठीक है, ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड एक्चुअली इस ए बी लाइन का स्लोप होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन केस में। अब मुझको बी पर ही इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो मैं एक और नजदीक लेकर के जाता हूं। अब अगर ए यहां होता तो इस लाइन का है ना, इस लाइन का स्लोप ए से बी के बीच की एवरेज स्पीड होती है। अगर ए यहां होता तो इस लाइन का स्लोप ए से बी के बीच की एवरेज स्पीड होती है। अगर ये यहां होता तो यहां पर जॉइन कर देते। जैसे जैसे ए बी की ओर अप्रोच करता चला जाएगा, अब देखिए अगर ए अप्रोच करते 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 बी को कोइंसाइड कर जाए या बी के इतना नजदीक चला जाए कि दोनों के बीच में कोई एक्चुअली गैप रहे, ये 0.999999 याद है, ये 1 आ जाता था। गैप तो है लेकिन गैप नहीं है, कैलकुलस लिमिट्स, लिमिट इज द परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन। एक मैथमेटिशियन ने कहा कि लिमिट कैलकुलेट करना एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें परफेक्शन होती है। ये दो विरोधाभास वाले वर्ड्स जो हैं एक साथ लिमिट्स के केस में है ना, एक साथ आते हैं। लिमिट इज परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन when we are calculating limiting value of a function, then we are actually finding an approximate value in a perfect way. अब मुझको अगर B पर इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो इस पॉइंट A को B की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, और ये A B के जितना नजदीक होगा, जितना क्लोज होगा, B पर स्पीड उतनी ही अच्छी मिलेगी मुझे। ध्यान दीजिए बात को, A और B, यहां पर A बहुत दूर है, इस लाइन का स्लोप ए बी के बीच की एवरेज स्पीड देगा, इस लाइन का स्लोप ए बी के बीच की एवरेज स्पीड देगा, इस लाइन का स्लोप ए बी के बीच की एवरेज स्पीड देगा, इस लाइन का स्लोप कम होते होते अगर ए बी के पास ही चला जाए, अगर ए बी के पास ही चला जाए तो एक्चुअली जो लाइन बनेगी ना वो बी पर टेंजेंट हो जाएगी। एक्चुअली जो लाइन बनेगी, अगर मैं ए पर ही इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहता हूं तो हमको बी को ए की तरफ अप्रोच कराना पड़ेगा, तब जो लाइन बनेगी ए बी लाइन, ये ए बी लाइन देखिए, जब जैसे जैसे एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की ओर अप्रोच करेगा ये लाइन छोटी होती चली जाएगी, और छोटी होते होते जैसे ही ये पॉइंट बी ए के पास आ जाएगा, इतना नजदीक आ जाएगा कि इनके बीच गैप यानी डिफरेंस ना पता किया जा सके, तो वो लाइन एक्चुअली ए पर टेंजेंट हो जाएगी। आई होप आप टेंजेंट का मतलब जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ा आपने। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है एक्चुअली इस टेंजेंट लाइन का स्लोप होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो एक्चुअली इस टेंजेंट लाइन का स्लोप होगी। तब इस हिसाब से अगर मैं यहां बोलूं कि एवरेज स्पीड हमारी ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू विच इज 10 थीटा, ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिए क्या है, S2 - S1 / P2 - T1, यही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बस यहां एक कंडीशन है, इस T1 को T2 पे ना इंस्टेंटेनियस स्पीड एट बी, यहां पर एक कंडीशन ये कि इस पॉइंट ए को बी की ओर जाना पड़ेगा, बी की ओर जाने का मतलब ये T1 वाला जो पॉइंट है ये T2 पर जाए, तो यहां लिमिटिंग वैल्यू T1 tends to T2, या ये भी लिख सकते हैं T2 tends to T1, एक ही बात है। ठीक है, आपको ये समझना, अगर T1 T2 की ओर अप्रोच कर रहा है, ये पॉइंट बी की ओर अप्रोच कर रहा है तो बी पर इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी, और अगर बी वाला पॉइंट ए पर अप्रोच कर रहा है तो ए पर इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। तो ये जो आ रहा है S2, देखिए ये एवरेज स्पीड है, लेकिन जब इसी एवरेज स्पीड को हम इस तरह से निकालें, उस टाइम पर निकालें, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन T1 इज वेरी क्लोज टू T2, जब T1 T2 के बहुत नजदीक, यानी कि ए पॉइंट बी के बहुत नजदीक है, तो एक्चुअली ए और बी के बीच की एवरेज स्पीड, अगर ए बी के बहुत नजदीक है तो एक्चुअली ए और बी के बीच की जो एवरेज स्पीड है, दैट एवरेज स्पीड इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड एट बी। ए बी से जितना दूर रहेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड में उतना ही एरर आएगी, और ए बी के जितना नजदीक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड उतनी परफेक्ट आएगी। तो ए बी के जितना क्लोज आप अप्रोच करा पाएंगे आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड उतनी ही परफेक्ट आ रही होगी।
तो फिजिक्स वालों ने ये नया टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था, ये मैथमेटिशियंस की देन नहीं थी। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए ऐसा कोई मैथमेटिक्स में टूल था ही नहीं जो T1 को T2 पर ले जा करके, इस पॉइंट A को B पर ले जा करके टेंजेंट का स्लोप बता दे। तो फिर फिजिक्स वालों ने पहले मैथ्स में काम किया, मैथ्स में एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, लिमिट्स, है ना, डिफरेंशियल, ये एक्चुअली टेंजेंट, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के चक्कर में लिमिट को डेवलप करना पड़ा, लिमिटिंग वैल्यूज निकालनी पड़ी, ये सारी चीजें डेवलप की गई। और डेवलप की किसने थी, सर आइजैक न्यूटन, नाम तो सुना ही आप लोगों ने, ठीक है, बहुत बदमाश है ये, इतनी सारी मैथमेटिकल और फिजिक्स की डिस्कवरीज अकेले इसी बंदे के नाम है, ठीक है। जब ये ग्रेजुएशन में थे तो इन्होंने खुद अकेले बाइनोमियल थ्योरम डेवलप कर दी थी, बाइनोमियल थ्योरम की भी, बाइनोमियल थ्योरम का पूरा वर्क इन्हीं के खाते में जाता है, इंट्रोड्यूस करने वाले यही थे। और एक और मैथमेटिशियन थे लिबनिस, अगर मेरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो तो, LEIBNIT। बहुत सारे मैथमेटिशियंस का मानना है कि कैलकुलस को डेवलप करने में मेन रोल इस मैथमेटिशियन का था, लेकिन न्यूटन को भी क्रेडिट दी जाती है, दोनों ने साथ काम किया था, बट मेजर रोल लिबनिस का था, ऐसा कई मैथमेटिशियंस कहते हैं। एक्चुअली नीड न्यूटन को थी फिजिक्स में, एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड और इस तरह की चीजें कैलकुलेट करने के लिए, बट उसके बाद ही एक मैथमेटिशियन के साथ, लिबनिस के साथ बैठे और इन्होंने ये सारा कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें डेवलप की। So if we want to find about instantaneous speed, if we want to know the instantaneous speed at B, we need to find this. यही expression की value चाहिए हमको, लेकिन कब, जब T1, T2 के बहुत नजदीक हो या A, B के बहुत नजदीक हो। और ये actually आएगा क्या? This will be actually slope. A और B के बीच में average speed क्या है? The slope of line AB. और जैसे जैसे ये पॉइंट बी की ओर अप्रोच करता चला जाएगा, जैसे जैसे ये पॉइंट ए बी की तरफ अप्रोच करता चला जाएगा, ये लाइन एक्चुअली बी पर क्या बन जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। अभी हम लोगों, मैंने अभी इससे पहले ड्रॉ करके बताया भी था, जैसे जैसे ए बी के नजदीक जाएगा ये लाइन छोटी होते 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 बी पर टेंजेंट बन जाएगी। तो उस टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट बी, That is geometrically the instantaneous rate of change of distance with respect to time at point B is geometrically equal to the slope of the tangent drawn at B. B पर जो instantaneous तात्क्षणिक चाल जिसको कह रहे हैं, तत्क्षण, ठीक B पर ही जो तात्क्षणिक चाल है वह speed B पर drawn tangent के slope के equal है mathematically actually. पर ये मैं नहीं कह रहा, ये तो observation कह रही है, geometry कह रही है भाई, जिस लाइन का स्लोप आप ढूंढ रहे हो वो लाइन एक्चुअली बी पर टेंजेंट हो जाएगी। ओके, दैट इज, ये जो चीज है ये मैथमेटिकली है ना, बी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होगी। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट बी विच इज दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ लाइन एट बी। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिजिक्स को छोड़ देते हैं, हो गया फिजिक्स का, बहुत है ना, ये ऐसे फिजिक्स करते रहेंगे तो हम लोग आ जाते हैं मैथ्स में। ये हमारा फंक्शन f और ये x, ये y भी वाई लिख लो, बिल्कुल यूजुअल टर्मिनोलॉजी है। और ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू f ऑफ x, y जो है वो x का फंक्शन है, ये हुआ हमारा x1, ये हुआ हमारा x2, और ये हुआ हमारा, सॉरी यू नो, एफ और एफ वन एक्स भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एफ टू एक्स। ओके, ये अब अगर ध्यान दिया जाए तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे यहां डिस्टेंस था और यहां टाइम था, बिल्कुल वही चीज है बस, है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x एक्चुअली क्या होगा, लिमिट एट पॉइंट b, लिमिट
बी पर, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाला डिफरेंस कितना होगा, ये ए बी सी लिख देता हूं, ये बी सी लाइन कितनी हो जाएगी, यहां तक का एफ टू एक्स है, यहां तक का एफ वन एक्स है, तो ये हो जाएगा एफ टू एक्स माइनस एफ वन एक्स, जैसे उसमें एस टू माइनस एस वन बना था, एफ टू एक्स माइनस एफ वन एक्स अपॉन, है ना, और यहां पर ये गैप कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन, ओके, और ये तब आएगा b पर, ये तब आएगा जब लिमिट x1 जो है वो x2 को अप्रोच कर रहा है। अब इसके बाद कहानी चली जाती है लिमिट्स में, और मैं लिमिट्स में भी अपनी कहानी नहीं लेकर के जा रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि जब आप डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली आपने लिमिट्स पढ़ रखी है। अब मैथमेटिशियन ये कह रहे हैं कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये क्या बता रही है एक्चुअली, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ना ड्रॉन एट बी, तो मैथमेटिशियन ये कह रहे हैं कि अगर ये एग्जिस्ट किया, अगर ये इस लिमिट की एक यूनिक वैल्यू आई, यूनिकली अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी यूनिक वैल्यू आई, फाइनाइट वैल्यू आई, तो इसका मतलब बी पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इसकी यूनिक वैल्यू आने का मतलब हमको स्लोप मिला एक टेंजेंट लाइन का, और अगर टेंजेंट लाइन का हमको स्लोप मिल रहा है तो इसका मतलब बी पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तभी तो स्लोप मिल रहा है, बात समझ आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इफ द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, then we say that a unique tangent can be drawn at the point B, और उसी देखिए maths के point of view से देखा जाए तो ये limit exist करने का मतलब है कि B पर एक unique tangent draw किया जा सकता है, उस tangent का slope ही ये limit है, मान लीजिए इसकी value कुछ आ रही है, मान लीजिए इसकी value कुछ आ रही है 2 आ रही है, तो इसका मतलब B पर tangent draw किया जा सकता है और उस tangent का slope ही 2 है, और इसी 2 को मैं physics में पॉइंट बी पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कह रहा हूं, 2 मीटर पर सेकेंड या 2 किलोमीटर पर आवर, डिपेंड करता है कि यूनिट क्या है वाई की और टाइम डिस्टेंस की और टाइम की, ठीक है। इस लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब है, ठीक है, मैथमेटिकली इस लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब है कि पॉइंट बी पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और उस यूनिक टेंजेंट का स्लोप यही वैल्यू आएगी जो भी इस लिमिट की वैल्यू है, और फिजिक्स में यही वैल्यू पॉइंट बी पर इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। मैथ्स में हम लोगों ने कह दिया कि अगर फिजिक्स में इसको स्पीड कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैथ्स में हम कह रहे हैं कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब फंक्शन पॉइंट बी पर डिफरेंशिएबल है, ये नाम रखा गया, फंक्शन पॉइंट बी पर डिफरेंशिएबल है, मतलब पॉइंट बी पर फंक्शन के ग्राफ पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और उस टेंजेंट का स्लोप इस लिमिट की वैल्यू ही होगी, व्हाट एवर द वैल्यू विल बी, ओके, ठीक है, बात समझ आई आपको, अगर आप चाहें तो यहां कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, सो दिस इज द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, सिचुएशन वही है सब कुछ, ये एफ एक्स हमारा फंक्शन, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, एक्स वन पर फंक्शन का आउटपुट एफ ऑफ एक्स वन होगा, एक्स टू पर फंक्शन का आउटपुट एफ ऑफ एक्स टू होगा, है ना, ये वाली हाइट एफ ऑफ एक्स वन, ये वाली हाइट एफ ऑफ एक्स टू, ये तो ऑब्वियस ही है, तो ये वाली हाइट जो होगी बी सी, ये एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन होगी, सब सेम है, ये यहां से ओरिजिन से यहां तक एक्स टू है, ओरिजिन से यहां तक एक्स वन है, तो ये बीच वाला एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, सब एवरीथिंग इज सेम, सो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, जब एफ एक्स का आप एक्स के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं बिटवीन फ्रॉम ए टू बी, बिटवीन ए बी, है ना, ए से बी के बीच में, तो वो एक्चुअली क्या होगा, वो ए बी लाइन का स्लोप होगा, है ना, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी, और वो आता कैसे है, वो आता है ये परपेंडिकुलर, दैट इज एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन बेस, बेस दैट इज एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये तो हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब जब आप बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये सब डिस्कस हो चुका है, बस एक बार और, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ए से पॉइंट बी पर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट बी,
तो बी पर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए ए को बी की तरफ अप्रोच कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दो पॉइंट्स के बीच ही रेट ऑफ चेंज निकालना जानते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना नहीं जानते, हम दो पॉइंट्स के बीच ही, ये मेन फॉर्मूला है अपना। तो अब अगर हमको ठीक बी पर चाहिए और दो पॉइंट भी चाहिए, तो दूसरा पॉइंट बी के बिल्कुल करीब होना चाहिए। तो ए वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं बिल्कुल बी के नजदीक, जितना नजदीक ये जा सके। सो एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला वही है अभी भी, बट यहां पर अब हम लगा देंगे कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, ये जो है आपका एक्सप्रेशन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए कब, जब एक्स वन एक्स टू की ओर अप्रोच कर जाए, एक्स वन एक्स टू के बहुत करीब हो, एक्स वन टेंड्स टू एक्स टू। ओके, अब लिमिट का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई, ठीक है। बी पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने का मतलब यही लाइन अब छोटा होते 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 बी पर क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, जो कि अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये जो आ रहा है लिमिट, ये एक्चुअली क्या आ रहा है, ये बी पर ड्रॉन टेंजेंट लाइन का स्लोप आ रहा है ना। इस लाइन का स्लोप मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो एक्स एक्सिस से मैंने मान लिया कि ये फाइव एंगल बना रही है, तो दिस विल बी इक्वल टू टेन फाइव। ओके, आपको टेन थीटा समझ में आ रहा होगा, टेन फाइव समझ में। जब आप ए बी के बीच एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालें, दैट इज टेन थीटा, और जब आप बी पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालें, दैट इज टेन फाइव। अब इसी फॉर्मूले को एक और सिंपल वे में भी लिखा जाता है, इट डिपेंड्स, ओके, ठीक है। अगर ये एक्स है, अब देखिए ब्लू वाले को देखिए, अगर ये एक्स है और ये गैप एच यूनिट का है, एच ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस एक्स है और ये गैप एच यूनिट का है, तो ये वाली डिस्टेंस एक्स प्लस एच हो जाएगी, यहां से यहां तक x, ब्लू वाला देखिए यहां से यहां तक x, फिर ये गैप h है, तो x प्लस h, यहां तक की डिस्टेंस x प्लस h हो जाएगी। x पर आउटपुट f ऑफ x है और x प्लस h पर आउटपुट f ऑफ x प्लस h है, सब कुछ सेम है, x2 की जगह x प्लस h, x1 की जगह x, बस और कुछ नहीं। तो x2 की जगह x प्लस h, x1 की जगह x, x2 की जगह x प्लस h, देखिए x2 की जगह x प्लस एच माइनस एक्स वन की जगह x, तो ये x और x कट जाएगा, h बचेगा, x2 x1 tends to x2, x1 x2 की तरफ चला जाए, मतलब ये h जो, ये जो गैप है वो खत्म हो जाएगा, मतलब h जीरो की ओर खत्म हो, जीरो की ओर अप्रोच कर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है, इस फॉर्मूले से भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है। इस फॉर्मूले से जब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो उसे कहते हैं, या इस फॉर्मूले से करें, इस फॉर्मूले से करें, एक ही बात है, जब हम इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वी आर फाइंडिंग द डिफरेंशिएशन या डेरिवेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। यही हम लोग 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, या जो 12th के स्टूडेंट देख रहे हैं वो 11th में इसी फॉर्मूले से, फर्स्ट प्रिंसिपल से उन्होंने डिफरेंशिएशन निकालना सीखा होगा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कैसे होता है, इस लिमिट से निकाल करके देखा जाएगा, ये देखा गया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव सिक्स, ये सब निकाल करके देखा गया, तब हम लोगों को ऐसा फॉर्मूला उसे लर्न कराया गया। सो दिस इज द फॉर्मूला, हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग इस फंक्शन, इस फॉर्मूले से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन निकालते हैं, तो हम कहते हैं कि वी आर फाइंडिंग डेरिवेटिव फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इस फॉर्मूले से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन फाइंड करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करना कहलाता है। ओके, सो ये दो फॉर्मूले जो हम लोग 11th में और 12th में यूज करेंगे, 11th में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, और मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 11th में भी यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली और 12th में भी, ठीक है। कभी कभी ये फॉर्मूला यूज करना बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, इजी पड़ता है, कभी 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 इसे यूज करना बेनिफिशियल हो जाता है, ट्वेल्थ में ज्यादातर इस फॉर्मूले का यूज है। ओके, तो फटाफट से थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बातें, इफ द अबव लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये लिमिट्स चाहिए वाली एक ही बात है, अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, मतलब इस लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, अगर इस लिमिट की वैल्यू फाइनाइट, इन्फिनिटी का क्या मतलब है, स्लोप इन्फिनिटी, स्लोप इन्फिनिटी का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए इसको, ठीक है। अगर ये लिमिट की वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट, तब हम कहेंगे, देन वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तब हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं, जैसे ये लिमिट हम लोग किसी पॉइंट पर निकाल लेते हैं ना, बी पर निकाल लेते हैं, तो अगर इस पॉइंट पर ये लिमिट की फाइनाइट वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे वो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि उस पॉइंट पर हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, अ यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट द पॉइंट, वही चीज लिखी हुई है, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब उस पॉइंट पर यह लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा।
तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिट एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देती है, ये लिमिटिंग वैल्यू, ये फॉर्मूला एवरेज रेट ऑफ चेंज देता है, ये लिमिटिंग फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है। ज्योमेट्री से देखा जाए तो ये एक्चुअली ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये पॉइंट बी पे ड्रॉन टेंजेंट का स्लोप होता है, है ना। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मैथमेटिकली वो ये बता रही है कि उस पॉइंट पर आप यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ द लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर, एंड आई होप आपको डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे समझ में आई हो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अगर आप चाहें आप। सो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से किसी नॉन यूनिफॉर्म कर्व के लिए, देखिए नॉन यूनिफॉर्म सिर्फ मैंने तो डिस्टेंस और टाइम का सिर्फ एक एग्जांपल लिया था, ठीक है। ग्राफ तो आप डिस्टेंस टाइम के बीच में भी खींच सकते हैं, ग्राफ और भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में खींचा जा सकता है ना, जैसे ओम्स लॉ के ऊपर भी यही बात समझाई जा सकती थी, है ना, डिपेंड करता है, ठीक है। ओवरऑल द पॉइंट इज कि किस तरह से एक नॉन यूनिफॉर्म कर्व के किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए मैथ्स में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टूल डेवलप किया गया, लिमिट्स। लिमिट की एग्जिस्टेंस है, लिमिट को डेवलप करने के बाद भाई हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो यू नो बहुत क्लोज जाकर के वैल्यू दे सके, ठीक है, फंक्शन को डिफाइन कर सके। लिमिट के लिमिट का जब आपने इनफॉर्मल अप्रोच पढ़ा होगा कि लिमिट की मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, लिमिट हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, तो भी आपको काफी कुछ अब कनेक्टिंग लग रहा होगा अगर लिमिट्स अच्छे समझना समझी होगी आपने तो। किस तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म कर्व के किसी पॉइंट पर एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमने मैथ्स में एक टूल डेवलप किया, लिमिट्स। लिमिट्स की डेवलपमेंट के बाद कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आया, डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और धीरे धीरे करके एक मैथमेटिक्स की पूरी ब्रांच, एंड बहुत यूजफुल है वो। कैलकुलस से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनको अल्जेब्रिकली या ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना काफी लेंथी और टिपिकल है, कैलकुलस में बहुत इजीली डील हो जाती है, और यही कैलकुलस की खूबसूरती है। हम कह सकते हैं कि कैलकुलस इज द एडवांस अप्रोच, यू नो, या एडवांस या मॉडिफिकेशन ऑफ अल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री, इस तरीके से भी कह सकते हैं। खैर, आई होप जो ब्लिम्पस की मैं बात कर रहा था, लेक्चर थोड़ा लंबा जरूर गया, बट अगर आपने पेशेंस के साथ, अगर आपने धैर्य के साथ, अगर आपने एक एक बातें सुनी होंगी, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में इसका क्या मतलब है, ज्योमेट्री में इसका क्या मतलब है, ये सारी बातें आपकी आई एम श्योर क्लियर हो गई होंगी। जिन भी स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएबिलिटी में डाउट था, अगर इस लेक्चर के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कोई फ्रेंड बट रह गया हो कि ये बात अभी भी नहीं समझ, प्लीज आप बिल्कुल फ्री हैं, कमेंट करके मुझे बता दीजिए। खूब खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।